हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट अपने चैनल से किस तरीके से हम पहचाने, फाइंड करें। आपने मेरी वीडियो बहुत सारी देखी होगी रीयूज्ड कंटेंट के ऊपर। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखकर फिर भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट किस वीडियो में है ये आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपको आज क्लियर कट टू कट बता भी दूंगा किस वीडियो पर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है, क्योंकि आज मैं 5 चैनल मैंने फाइंड किए हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था इन्होंने और कहा था सर मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, प्लीज चेक कर लो। तो रीयूज्ड कंटेंट का मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर, मतलब ये मानकर चलो पर डे 100 से 200 मैसेज आते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबका तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ 5 लोगों को सिलेक्ट किया है, और इन 5 टाइप के चैनल अलग अलग टाइप के हैं, और 1 मिलियन वाला चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, उस पर भी रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि रीयूज्ड कंटेंट आपको फाइंड कैसे करना है अपने वीडियो पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर रखा है, यूट्यूब ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी मैंने 5 चैनल ओपन कर रखे हैं। ये एक चैनल ये हो गया होम कुकबुक, दूसरा है जीसस 07 जिस पर 16 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तीसरा चैनल है सलू मीम्स, चौथा चैनल है ह्यूमन यूट्यूब चैनल, और 5वां चैनल है इट्स डीजे आयुष। तो अगर आपका चैनल डीजे से रिलेटेड है, या फिर आपका चैनल मीम से रिलेटेड है, या फिर आप ब्लॉग की वीडियो डालते हैं, या फिर आपका चैनल वीडियो रिकॉर्ड कर सिर्फ अपलोड कर देते हैं, खास तौर पर बॉलीवुड की वीडियो, या फिर आपका चैनल खाना बनाने से रिलेटेड है, तो आपके चैनल पर अगर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं होम कुकबुक के चैनल को स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैंने इनके चैनल को कर लिया ओपन, होम कुकबुक के चैनल को। अब वीडियो पर क्लिक करता हूं। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सॉर्ट बाय पर क्लिक करना है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करना है। मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने आ जाती है सबसे ज़्यादा व्यूज वाली वीडियो। अब देखो इन्होंने गलती क्या कर रखी है, इनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था, और मोनेटाइज होने के बाद इनके चैनल पर एक मेल आता है और बताता है यूट्यूब कि आपके चैनल को हम मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट है और दोबारा से इसे बंद कर रहे हैं, आपका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे रहे हैं। तो बहुत दुख होता है जब चैनल मोनेटाइज हो उसके बाद रीयूज्ड आ जाए। तो रीयूज्ड क्यों आया है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो डाल रखी है गांधी जी स्टेटस, इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, इस वीडियो को चालू करते सुन लिया आपने। पहला वीडियो ये रीयूज्ड कंटेंट इनके चैनल पर है, दूसरा आपको वो भी दिखाता हूँ, दूसरा इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट है। अब इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो आपने देख लिया, इन्होंने एक बेबी का वीडियो उठाया है कहीं किसी वेबसाइट से, और उसके बाद एक सॉन्ग उठाया बॉलीवुड का, उसके बाद सिर्फ इन्होंने एक एडिटिंग का प्रोसेस किया जो कि इनका पर्सनल प्रोसेस है। आपको एडिटिंग के प्रोसेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपकी एडिटिंग चाहे नेक्स्ट लेवल की क्यों ना हो, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करेगा। यूट्यूब आपके चैनल पर आपकी एडिटिंग नहीं देख रहा है, आपकी वीडियो की क्वालिटी को देख रहा है, आपकी वीडियो को देख रहा है कि आपने दूसरे का कुछ भी कंटेंट यूज किया है तो उसमें चेंजेस करके क्या यूज किया है। एडिटिंग का मतलब यही हुआ ना कि आपने अच्छा अच्छा क्रिएटिव चीजें डाल दी, चेंजेस का मतलब मेरा ये हुआ कि आपने उसमें अपना मिर्च मसाला क्या डाला है उस वीडियो में, राइट। तो यहां पर ये समझने वाली बात है। उसके बाद अब दोस्तों इनके चैनल पर और आपको दिखा देता हूं, बहुत सारा डीप में आज आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको एक बारीकी से समझाना है रीयूज्ड कंटेंट के बारे में, क्योंकि इसके बाद रीयूज्ड कंटेंट पर बहुत कम वीडियो आएगी मेरे चैनल पर। यहाँ पर अब दूसरा एक और वीडियो ओपन कर लेता हूँ। इन्होंने एक वीडियो डाल रखा है 6 महीने पहले डाला, 31 सेकंड की वीडियो, और एक नवरात्रि स्पेशल की वीडियो डाल रखी है। ये सभी वीडियो रीयूज्ड कंटेंट है, इस वीडियो को इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये डिलीट नहीं करते हैं तो इनका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैंने बताया अगर आपका कुक से रिलेटेड चैनल है, खाना बनाने से रिलेटेड चैनल है, तो आप किस टाइप का वीडियो देखना होगा, आपको क्या करना होगा कि चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट फाइंड कर पाएं।
पहला चैनल आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर जीसस, अब इनके चैनल पर ये कह रहे हैं सर मैं तो कुछ किसी का यूज ही नहीं करता हूँ और मेरे चैनल पर 4,583 वीडियो डाल रखे हैं, 16 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं है, रीयूज्ड आ गया है। अब रीयूज्ड आया है, क्यों आया है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो इनके चैनल पर मैंने ओपन किया, इनके चैनल पर ऐड नहीं चल रही है, आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन आप सबको बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे चैनल पर रीयूज्ड नहीं आया है, मैं तो दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, तो उनको बता दूं कि अगर रीयूज्ड कंटेंट नहीं आया है तो बचे हो आप, तो अब आप अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके चैनल पर भी रीयूज्ड कंटेंट आएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे, चैनल भी बंद होने के टाइम पर आ जाएगा, तो आप अपना कंटेंट जरूर डालना। इन्होंने जो डाल रखा है, सबसे पहले जीसस 007 के चैनल को मैं यहां पर ओपन करता हूं, अभी आपको दिखा दिया ऐड इस पर नहीं आ रही थी, ठीक है। वीडियोज पर क्लिक करते हैं, वीडियोज पर क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय पर क्लिक करते हैं, मोस्ट पॉपुलर पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक किया तो यहां पर एक वीडियो दिख रही है मुझे, ये देखो सलमान खान की ये वीडियो है, सलमान खान फनी रिएक्शन ऑन रेस 3 डुप्लीकेट। अब ये जो इन्होंने वीडियो डाली है ना, ये है रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट क्यों है? क्योंकि अभी इसमें सलमान खान का इन्होंने वीडियो उठाकर डाल दिया है, ठीक है, जो कि इनका पर्सनल ये कंटेंट नहीं है। इन केस अगर इनका ये पर्सनल कंटेंट है तो इनको रॉ फाइल अपनी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहला काम, दूसरा आपको बताऊं कि ये बहुत सी वीडियो तो अपनी डालते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिकॉर्ड जरूर करते होंगे, लेकिन अभी इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट इसीलिए आया है क्योंकि इस पर बहुत सी वीडियो ऐसी है जो यूट्यूब को लग रहा है दूसरे की वीडियो है। अब इन्हें करना क्या है, देखो इनका सब कुछ कंटेंट अपना है लेकिन भाई के चैनल पर फिर भी रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, तो इन्हें दो काम करने होंगे। एक यूट्यूब टीम को ट्वीट करना होता है @YouTube Team YouTube और वहाँ पर पूरी प्रॉब्लम बतानी होगी कि हम एक पत्रकार हैं, हम एक बॉलीवुड रिपोर्टर हैं और पूरी वीडियो शूट करते हैं, पर्सनल वीडियो होती है, एडिटिंग हमारी खुद होती है और इस टाइप का किसी और के चैनल पर नहीं है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को मोनिटाइज करिए, तो चैनल मोनिटाइज YouTube कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला काम। और दूसरा काम, अगर इनका ये कंटेंट नहीं है और किसी दूसरे का कंटेंट डालते हैं तो इनको इस टाइप के कंटेंट डिलीट करने पड़ेंगे, जितने भी टीवी सोच के या कहीं से भी इन्होंने उठाए हैं वो सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। ये इन्हें बेहतर पता होगा क्योंकि मैं तो इन्हें बता सकता हूं, जैसे इसमें रेस 3 का जो ये वीडियो है 61 लाख व्यूज आए हैं, इस वीडियो में भी रीयूज्ड कंटेंट, ये देखो अब ये जो देख रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि ये टीवी से उठाया गया हुआ कंटेंट है, तो इस टाइप से नहीं करना है, इस टाइप से अगर ये काम करेंगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। देख लिया आपने ये रेस 3 का जो ये रीयूज्ड कंटेंट है, देख लिया आपने, ये है, ये चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। YouTube पर ये चीज़ें जो चल रही है ना, ये ऑलरेडी था और इन्होंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो आपको पता चला होगा रीयूज्ड कंटेंट से क्या काम करना है। अब यहाँ पर सल्लू मीम्स चैनल नंबर 3 जो कि हम देख रहे हैं, सल्लू मीम्स के चैनल को इस चैनल पर हम ओपन करते हैं, भाई का चैनल। इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा, क्या करूँ, परेशान हो चुका हूँ मैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को मोनिटाइज करवा दीजिए। यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ और वीडियो पर क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय पर क्लिक करूँगा, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करूँगा, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करने के बाद अब देखो इनका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ, देख लेते हैं जो वीडियो इन्होंने बनाई है। ये वीडियो दोस्तों दिल से मत लेना लगाना, हम भी कलाकार का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आने पर सब्सक्राइब जरूर करना सल्लू मीम्स, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो डाल रखी है जो कि सल्लू मीम्स की है और ये वीडियो इन्होंने दूसरे किसी चैनल से उठाया होगा या फिर किसी वेब सीरीज से उठाया है तो ये हो गया रीयूज्ड कंटेंट। अब यहाँ पर सल्लू मीम्स और वेट फॉर ट्विस्ट लिखने से इनकी वीडियो तो हो नहीं जाएगी, तो इस वीडियो को इन्हें करना होगा डिलीट, अगर डिलीट नहीं करेंगे तो चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ,
इस टाइप की इनके चैनल पर बहुत सारी वीडियो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो है जिस पर इनके सबसे ज़्यादा व्यूज है, 24 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 6 लाख। इस टाइप की वीडियो इन्हें डिलीट करनी पड़ेगी। अगर डिलीट कर देते हैं तो इनका चैनल 1 से 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चैनल नंबर 4, और इस चैनल का नाम है ह्यूमन यूट्यूब चैनल, और इन्होंने 70 वीडियो डाल दी है और 6,500 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ पर वीडियोज पर क्लिक करते हैं, इन्होंने मुझसे बताया कि सर मेरे चैनल पर सारी मेरी वीडियो है, किसी और की नहीं है, प्लीज मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो। अब इनके चैनल को देख लेते हैं, एक बार विजिट करता हूँ। यहाँ पर सॉर्ट बाय पर क्लिक करता हूँ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करता हूँ, जैक एंड, अब देखो यही तो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, हर एक भाई यही सोचता है कि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज वाली वीडियो को डिलीट कोई ना करवाए, प्राइवेट कोई ना करवाए और मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, आपका वो जो सबसे ज़्यादा व्यूज वाला वीडियो है ना, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जब तक वो आपके चैनल पर रहेगा पब्लिकली, तब तक आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि 2020 के बाद से यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसीज को लागू करके बहुत से चैनल बंद करवा दिए हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे, और कॉपी पेस्ट चैनल बिल्कुल यूट्यूब पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे अब। तो इसलिए यहां पर देखो स्टेज की वीडियो इन्होंने डाल रखी है, जिस पर इनको 44,578 व्यूज मिले हैं, 28 फरवरी को डाला है। ये जो वीडियो डाली है ना, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो इनकी पर्सनल भी होगी तब भी इन्हें डिलीट करना पड़ेगा, और अगर पर्सनल नहीं है, रिकॉर्ड करके इन्होंने डाल दिया है, तो वो डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे जो गाना है वो भी रीयूज्ड कंटेंट है, और YouTube खुद कहता है कि हम ऐसे चैनल को अलाउ नहीं करते जो स्टेज प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उनके चैनल को मोनेटाइज नहीं करते, इस टाइप के कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करते। अगर नहीं पता तो यूट्यूब के मोनेटाइजेशन वाली पॉलिसीज को रीड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इट्स डीजे आयुष चैनल नंबर 5, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट, और इस चैनल को आपको मैं दिखा रहा हूं कि अगर आपका चैनल डीजे से रिलेटेड है तो आपको क्या काम करना चाहिए अपने चैनल पर। यहां पर वीडियो पर क्लिक करते हैं, वीडियो पर क्लिक करने के बाद मस्त मलंग जोगी एक इन्होंने वीडियो डीजे रिमिक्स किया है, और इसके ऊपर मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करता हूँ। मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करने के बाद इनके चैनल पर 13 लाख व्यूज है, मतलब 1,30,000 व्यूज है। 1 साल पहले इन्होंने एक वीडियो डाली है, इस वीडियो को देख लेते हैं। ये डीजे का बनाया भाई ने, डीजे बना दिया, ठीक है, और देख लेते हैं क्या काम कारनामा किया है भाई ने। अब ये जो वीडियो इन्होंने बनाई है, नायक नहीं खलनायक है तू, ये वीडियो तो सॉन्ग जो है ना रीयूज्ड कंटेंट आएगा, क्यों? क्योंकि ये सॉन्ग पर आया होगा इनके क्लेम, पहली चीज क्लेम अब हटेगा नहीं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं। इस सॉन्ग पर इन्होंने काम क्या किया है, सिर्फ डीजे को मिक्स कर दिया है और इस पर एक इफेक्ट लगा दिया है, वीडियो के ऊपर यहाँ पर एक इफेक्ट लगा दिया है। ऐसे चैनल यूट्यूब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल मोनेटाइज नहीं करेगा। जितने भी कंटेंट तुम्हारे हैं ये सब डिलीट करने पड़ेंगे, और अगर तुम डिलीट नहीं करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, अगर ये काम तुम्हारा सक्सेस हुआ तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा। आप सोच रहे होंगे कौन सा काम, ये काम है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए जिसका भी सॉन्ग यूज कर रहे हैं उससे रिटर्न में एक कार्ड ले लो। नोटिस कार्ड क्या होता है कि उनसे लिखवा लो कि आप कि हम आपके कंपनी के सॉन्ग का यूज कर सकते हैं, आप हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, रीयूज्ड यूज कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों इन 5 टाइप के चैनल के बारे में आपको बताया है, रीयूज्ड कंटेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं अपने चैनल से, आपको ऐसे ही फाइंड करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल तरीका है, वीडियो वाले सेगमेंट में जाओ, वहां पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करो, और मोस्ट पॉपुलर वीडियो में बहुत सारी वीडियो आती हैं, उन वीडियो को देखो, और उन वीडियो को अगर दूसरे का कंटेंट लग रहा है तो उसे आज ही डिलीट कर दो या प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट कर भी देना लेकिन जब चैनल मोनेटाइज हो तो उसे ऑन मत करना, नहीं तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।